ऐसे कौन सोता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ये देखिए भव्यान उठ गया है सुबह सुबह। उठने के बाद इसने आज सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये अपनी कटोरी के साथ खेल रहा है। ये कटोरी इसके पानी पीने की है तो ये उसके साथ खेल रहा है, उसे बजा रहा है। चलिए तो इसे नहला देते हैं अब आकर। तो ये भव्यान नहाकर आ चुका और अपनी क्रीम के साथ खेल रहा है। नहाकर आने के बाद अपनी क्रीम के साथ खेलता है। मैं हटा देती हूँ ये क्रीम क्योंकि कहीं इसको लग ना जाए। तो अब ये देख रहा है कि मैंने कहाँ रख दी इसकी क्रीम। तो अब ये खेलने में मस्त हो रखा है। नहाकर आके अभी ये सोएगा थोड़ी देर में, और आज तो खेल रहा है वरना ये रोता है इस टाइम पे कि मेरे को सुलाओ, अब नींद आ रही है। मामा के साथ खेल रहा है मार मार के। एक्चुअली मार नहीं रहा है, ये इसका खेल है। ऐसे ही सोचता है मैं खेल रहा हूँ। और इसको मेरी गोदी में आने की लग रही थी, अभी 9 मंथ्स का हो गया, खुद खड़ा होने लग गया है। तो मेरे को पकड़ के खड़ा होता है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। पीछे बेड पे एक बार इसका सर लग गया था तो मैं इसको बिठाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बैठ नहीं रहा। तो मैंने भाई को बोला कि तू अपनी वीडियो चला, क्योंकि ये एक चीज़ है, ये सोता है और अगर ये सोते सोते रोता है कई बार, मैं इसकी भाई की वीडियो चला दूँ तो ये एकदम से खुश हो जाता है और वो देखने लगता है। तो ये अभी देख रहा है कि वीडियो चल चुकी है। तो अब ये सोच रहा है मैं ठीक से बैठ के देखूँ, पीछे गर्दन हो नहीं रही तो अभी ठीक से बैठ के देख रहा है। और इसको इतना पता है कि ये इसके मामा है वीडियो में, मतलब ये इतना पहचानने लगा है। और इसको जब भी ये वीडियो चला दो तो उसको सिर्फ ये वाली वीडियो ही ज़्यादा पसंद आती है इसकी। इसको मतलब अगर ये कहीं और भी देख रहा होगा, अगर गाना चल जाए तो ये खुशी से मतलब ऐसे झूमता है ना, नाचता है, मतलब क्लैपिंग करने लग जाता है। अब देखो कितना खुश हो रहा है, फ़ोन पकड़ता है, खुद पकड़ने की कोशिश करता है फ़ोन को और हंसता है। अब ये मुझे बताएगा कि ये देख वीडियो चल रही है। तो अब इसके मामा ने इसको गोदी में ले लिया है क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था, मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा था अपनी, और मैं चाह रही थी इसकी सब चीज़ रिकॉर्डिंग करूँ इसकी अभी, तो मुझे करने नहीं दे रहा था। अब अपने मामा के साथ खेल रहा है और इसका खेलना क्या है, ये बैठता तो है नहीं गोदी में, खड़े होके इधर से इधर घुमाओ इधर झुलाओ ऐसे ऐसे करते रहो इसके साथ, इसका खेलना कूदना ऐसे ही होता है। और हाँ, इसको कैप बिल्कुल पसंद नहीं है अपने मामा की। जब पिद्दू साता तब तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो इसको अच्छी नहीं लगती कैप, ही डर जाता है। तो अब रो रहा है कि उसको मतलब कि उतार, इसको हटा हटा, वो नहीं हट रही तो ये रोने लग जाता है एकदम से कि इसको हटा, देखो इसको कैसे रो के दिखा रहा है। उसने हटा दी तो खुश हो जाएगा कि हाँ लो हटा दी अब मैंने इसने कैप। तो अभी भव्यान अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, इसको अपने टॉयज़ के साथ खेलना पसंद है। इसको टॉयज़ के साथ इतना खेलना पसंद नहीं है जितना इसको ना बर्तनों के साथ खेलना, या कुछ चम्मच दे दो, कटोरी दे दो। अभी अपने मामा के साथ देखो कैसे, मतलब मामा इसको लेटेगा जिस तरीके से उसी पोजीशन में लेटेगा, उसके साथ वैसे ही लेट के ना वीडियो देखने लगेगा। और मैं सोचती हूँ कि फ़ोन ना दूँ तो अदबद के इसको फ़ोन लेना ही लेना है। अभी मेरे पास आ रहा है कि मुझे सुलाओ, अब मुझे नींद आ रही है तो अब मैं इसको सुलाऊंगी। और इसके एक सोने की एक खास बात है कि ये गाने सुन के सोता है, और गाने भी ये नहीं कि आज के टाइम के सुन रहा हो, पुराने जितने पुराने होंगे ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट, उतने ही अच्छे लगेंगे इसे गाने। चलो तो अब खाना बना लेते हैं। खाना तो वैसे आज बन चुका था जल्दी, भाई को पूरी खानी थी, सीताफल की सब्जी बनी थी, तो मैंने सोचा तो चलो अब बना देती हूँ, गरम गरम दूंगी। तो ये पूरियाँ सिक रही हैं, गोल गोल पूरी और फूली फूली पूरी, मतलब ऐसी अच्छी लगती है। भाई कह रहा था चलो मैं दिखा देता हूँ, टीवी भी देख रहे हैं, बोला चलो दिखा दो। तो कह रहा था घर में क्या क्या चल रहा है वो दिखा देता हूँ मैं, बोला बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना मेरे से हो नहीं पाएगा। तो ये पूरियाँ सिक रही हैं, ये पूरियाँ सिक चुकी हैं एकदम ब्राउन ब्राउन सी। तो अब मैं भाई को खाना दूँगी। और ये आ गई सीताफल की सब्ज़ी, तो खट्टी खट्टी सब्ज़ी थी, ज़्यादा मीठी नहीं थी, मतलब ठीक थी, अच्छी थी, बस इतना मुझे पता है। और ये अचार, तो मज़ा आ जाता है पूरी अचार सब्जी खाने में। तो मैं बोला इतने जल्दी से एक पूरी और उतार दूँ। तो ये गोल गोल पूरी उतर चुकी हैं, फूली फूली सी, ऐसी पूरी अच्छी लगती है खाने में। और अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ, ये भव्यान का टाइम है सेब खाने का, इसको मैश करके दो चम्मच के साथ, ये नहीं खाता। इसको प्यूरी बना के दो, ये नहीं खाता। इसको मैं जिस तरीके से खाती हूँ ना, इसे वैसे ही खाना है। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि उसको अच्छे से हाथ से मैश कर दूँ और इसे खिलाऊँ। तो देखिए ये कैसे खा रहा है, इसको इसी तरीके से अच्छा लगता है खाना। इसे वैसे अलग से दो, प्यूरी वगैरह बना के या मैश करके ये नहीं खाता, हाथ से उसी टाइम मैश करो तो ये खा लेता है। तो अब ये देखो कैसे खा रहा है, इतना छोटू सा और जरा सा भी इतना पहचानने लग गया है कि इसके आगे हाथ लेकर आओ तो इसका पहले ही मुंह खुल जाता है, चाहे हाथ में कुछ हो या ना हो, इसे इतना पता है कि मुझे खाना है ये।
तो अब ये खा रहा है, इसके एक्सप्रेशन देखो खेलते खेलते, और ये इतना वो करने लगा है कि इसे पता चलता है कि नीचे कुछ गिर गया है खाते हुए, तो उसे फट से उठा लेता है। अब इसकी क्लैपिंग शुरू हो गई है होनी कि मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो अब ये इसकी क्लैपिंग शुरू हो चुकी है। तो अब ये मेरी गोदी में चढ़ रहा है। एक्चुअली इसको मेरी गोदी में नहीं आना, इसे वो प्लेट उठानी है, क्योंकि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं ना, ये जब तक उसको पकड़ेगा नहीं ना, तब तक इसको मज़ा नहीं आता खाने में। तो अब ये भव्यान अपने मामा के साथ खेल रहा है गोदी में, मामा ने फ़ोन निकाल लिया, उसकी क्लैपिंग शुरू हो गई है कि अब मेरे को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चल मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।